हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपा और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, बट ओरिजिनली आई एम फ्रॉम असम। और लास्ट 3 साल से मैं गुवाहाटी नहीं गई थी, मतलब मेरे मम्मी के घर असम नहीं गई थी, तो मैं इस बार जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जाने का 2 दिन पहले का वीडियो है। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा हेयर कट करना है, एक नया लुक लेना है, तो मैं बोला ठीक है चलो मैं भी थोड़ा सा हेयर ट्रिमिंग कर ही लेती हूँ। और 2 दिन पहले ही हम लोगों ने वो घर भी शिफ्ट किया था, मतलब कि कहीं और थे पहले, फिर कहीं और आ गए, मतलब सेम सिटी में बट दूसरा जगह हम लोग शिफ्ट गए थे। तो घर तो पूरा गंदा पड़ा हुआ था, घर तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने जितना हो सका मैंने उतना किया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि घर पूरा गंदा। तो फिर भी मैं क्या करूँ, रेडी तो होना ही है, तो बच्चों को लेके चली गई थी हेयर कटिंग करने। फिर ये था 2 दिन बाद का वीडियो, क्योंकि बीच वाला जो 2 दिन था वो दिन मैं पूरा पैकिंग और काम में लग गई थी, उसका वीडियो मेरा बनाना नहीं हुआ। तो ये ऑन द वे एयरपोर्ट जाते वक्त का वीडियो है ये। तो एयरपोर्ट चली गई थी, उसके बाद चेक इन वगैरह कर लिया था, उसके बाद हम लोग को लग गया था जोरों से भूख। हम लोग घर से अच्छे से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोग को बताया शिफ्टिंग किया था हम लोगों ने 2 दिन पहले, तो इसलिए सामान कहीं पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए लंच मतलब ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिला नहीं, तो इसलिए बाहर ही खा लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था, तो जल्दी जल्दी हम लोग बैठ गए एरोप्लेन में। और बच्चे था कि उधर से ही, मतलब एयरपोर्ट के अंदर से हेडफोन खरीदा था अपने टैब से गाना सुनने के लिए, और ढेर सारा टैब में गाना और वीडियो डाउनलोड करके लेके गए थे। फिर पूरा टाइम वो लोग सिर्फ वही देखते रहे, लेकिन हम लोग का लैंडिंग के 10-15 मिनट पहले वो लोग थोड़ा सा सो गए थे। और प्लेन के अंदर भी खाना दिया था, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था, बच्चे तो तब तक सो गए थे, तो वो लोग खाना नहीं खाए, तो मैंने थोड़ा सा एक सैंडविच ले लिया था और खा लिया। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया, मुझे बहुत पसंद है ऐसे क्लाउड्स का वीडियोज़ लेना, बहुत पसंद है। और किस किस को पसंद है बताना कॉमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फास्ट मूड में डालने से और अच्छा लगता है। कैसे पहुंच जाते हैं, क्या क्या, मतलब क्लाउड्स का जो डिज़ाइंस बना हुआ रहता है इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए पूरा क्लाउड से पहाड़ बना हुआ था, कितना ब्यूटीफुल सा है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब पहाड़ के ऊपर आइस गिरा है ना। तो ये सब देखते देखते फिर मैं इतना एक्साइटेड थी, मतलब मैं गुवाहाटी लैंड करने वाली हूँ अभी। फिर ऐसे हम लोग का लैंडिंग का समय हो ही गया था, और ऊपर से मुझे दिख रहा था पूरा, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, और बहुत खुश थी मुझे मैं वो सब देख के। और मुझे फाइनली ऐसा लगा कि 3 साल बाद मैं सबसे मिलूंगी, मेरे फ्रेंड्स से मिलूंगी, मैं अपने मतलब घर आई हूँ। फिर जो एयरपोर्ट था वो भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, और बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। तो मैंने वहाँ का डेकोरेशंस का भी, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वीडियो ले लिए थे, तो मैं जा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं मुझे जल्दी जल्दी जाना है, यहाँ से निकलना है, वैसा लग रहा था। लेकिन मेरा दिमाग में ये आया नहीं कि इसका भी थोड़ा सा डेकोरेशन का वीडियो लेना है। तो पाही ने बोला कि मामा मुझे इस मशरूम के सामने एक फ़ोटो ले दो, तो मैंने उसका फ़ोटो भी ले दिया, वीडियोस भी ले दिया। उसको मशरूम बनना था, वो खुद भी मशरूम बन रही थी। फिर फाइनली हम लोग लैंड करने के बाद मेरे फ्रेंड्स से मिलने गए, हम लोग पूरा रात बहुत मस्ती किए, पूरा रात नहीं मतलब, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था मेरा पहुँचते पहुँचते, सब फ्रेंड्स मेरे लिए वेट कर रहे थे, और वो लोग ने प्लान किया था एक गेट टुगेदर का, तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान था। फिर रात को हम लोग खा पी के जल्दी जल्दी सो गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग इतना सुंदर एक स्पॉट में गए थे, और वो लोग ने ही ये प्लान किया था, और खाना वगैरह सब कुछ उस गेस्ट हाउस से, मतलब रात को हम लोग गेस्ट हाउस में रुके थे, वहाँ से ही सब कुछ बना के लेके आए थे। और ये स्पॉट इतना ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है, एकदम शांत सा एक जगह है, यहाँ पर वो लोग वो मतलब पिटारा खोले अपने खाने का, और सबको हम लोग वहाँ पर पिकनिक किए। फिर थोड़ा देर आगे जाके देखा कि कुछ लोग गाना गा रहे थे, फिर वो देख के हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, और हम लोग ने भी ज्वाइन किया उन लोग को। और आप लोग सुनिए कैसा गाना गाया हम लोगों ने सबने मिल के। मुझे प्यार के होती नहीं है जुना, मौला ती मिला के पुतारी मुझे Oh,
फिर बच्चे भी अपने आप को पीछे कहाँ रखने वाले थे, वो लोग भी शुरू हो गए रील्स बनाने में, मम्मा रील्स बनाओ, हम लोग का ये करो वो करो, एकदम डांसिंग स्टार्ट हो गए, वो लोग भी पूरा डांसिंग डॉल्स रख रहे थे सब कोई। तो ऐसे ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मेरे फ्रेंड्स को मैं इतना साल बाद मिली, वैसे वीडियो कॉल्स वगैरह होता रहता है, सब हम लोग स्कूल फ्रेंड्स है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, हम लोग का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने इतना अच्छा प्लान किया और मुझे इतना स्पेशल फील कराया, इतना अच्छे से सब कुछ हो गया ना, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ ऐसा ही था मेरा गुवाहाटी का फर्स्ट डे। गुवाहाटी पहुंचते ही मेरा एक ग्रैंड वेलकम हुआ, वही मेरे लिए सबसे खुशी की बात। फिर हम सब फ्रेंड्स मिलके बहुत सारे फोटो खिंचाए, बहुत सारा रील्स बनाया, और मैंने अपना प्रोफाइल जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है आप लोग को दे दी हूँ, ऊपर दीपामुनी गोस्वामी के नाम से है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।